मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा ही पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो घनी जगह के बारे में है। मैं आपको ऐसी घनी घनी जगह दिखाऊंगा जहां आपको महसूस होगा कि बहुत सुकून माहौल है। और मैं इस वक्त भी एक अनार के पौधे के नीचे बैठा हूं, गोल अनार जो है ना ज़मीन के साथ टच हुआ है, तो मैं उसके अंदर घुस के बैठा हूं। तो आपको नज़र भी आ रहा होगा, ऊपर भी थोड़ा सा देख रहे हैं, मेरे ऊपर अनार का पौधा है, इधर अनार का मतलब पौधे रखता है सामने, इधर इधर अनार भी लगे हुए हैं। बहुत घनी प्लेस है, आप वीडियो देखेंगे मेरी बहुत सारी घनी इस तरह की घनी प्लेसेस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके नीचे बैठूंगा, आप देखेंगे बहुत माहौल हो गया इधर सोने का, बहुत पुरसकून माहौल है, मज़ा आएगा। वीडियो कंप्लीट देखेंगे, पुरसकून माहौल आएगा यार। दोस्तों इस वक्त मैं दूसरी घनी प्लेस के नीचे बैठा हूँ, यहाँ आपको थोड़ी सी बैल नज़र आ रही होगी, इसके नीचे इधर सात खजूर है, इस बैल ये जो है ना खजूर के ऊपर चढ़ी हुई है। चलते हैं अपनी तीसरी घनी प्लेस के नीचे। इस वक्त मैं तीसरी घनी प्लेस के अंदर खड़ा हूँ, आपको देख रहे हैं इधर उधर जो है ना अनार अंगूर की पौधा है, अंगूर का पौधा है, इस गोल इस बेर के दरख्त पर इसने लपेटा हुआ है बेर के दरख्त को, मैं इसके अंदर रुका हूँ। इधर साथ जो है ना हमारे गुलाब के फूल हैं, और इस वक्त जो है ना फूल नहीं उठाए हुए, वरना आपको दिखाता सुकून मिलता, गुलाब से सबको सुकून मिलता है। घनी और पुरसकून और जगह पर मैं पहुंच चुका हूं, बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है ना जैसे नेचुरल माहौल है, देखने का बैठने का सब चीज़ करने का दिल कर रहा है। मैं इस वक्त जामन के नीचे हूं, इस लगता है जामन जो है ना पक गया है, मैं काफ़ी दिन नहीं आया था, पता भी नहीं चला, और ये पकना भी स्टार्ट हो गया। आज की वीडियो यहाँ तक थी, और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की कोई घनी प्लेस या इस तरह की कोई वंडरफुल या स्कैरी प्लेस में नेक्स्ट टाइम, और आपको नेचुरल माहौल हम दिखाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।